सेहतमंद बने रहने के लिए हंसना बहुत जरूरी है और समय समय पर हंसते रहने से बहुत सारी बीमारियां हमसे दूर रहती है। अगर आप हमेशा ऐसे ही हंसते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल TKR जोक्स को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे आने वाले हर एक वीडियो आपके पास पहुँचता रहे और आप सदैव मुस्कुराते रहें। तो आइए अब शुरू करते हैं हंसने और हंसाने का सिलसिला। आम आदमी वो है जिसका मन तो करता है सेब खाने का, भाव पूछते हैं केला का, मगर खरीदता आलू है। कहते हैं जहां आदमी को एक बार धोखा मिले वहां कभी दोबारा जाना नहीं चाहिए, पर क्या करे भाई, ससुराल तो जाना ही पड़ता है। कुछ छोटे बच्चे तो इतने क्यूट होते हैं कि उन्हें देखने के बाद उनकी मम्मी को देखने का मन करता है। गुप्त सूत्रों के हवाले से पता चला है कि फॉरवर्ड करें और जादू देखें जैसी पोस्ट का प्रयोग विदेशी सर्वे एजेंसियां भारत में चूतियों की संख्या का पता लगाने के लिए करती है। सरकारी अस्पताल मरीज, उफ, ऐसी बीमारी से तो मर जाना अच्छा है, डॉक्टर हम पूरी कोशिश कर तो रहे हैं। 2000 रुपये की नोट की एक खासियत जो किसी को पता नहीं है, जी हाँ, 2000 के नोट को कितना भी फाड़ो नहीं फटेगा, विश्वास नहीं है तो फाड़ कर देख लो। मैं तो उसी लड़की से ब्याह करूंगा जो सुबह उठ के अलार्म बंद करके मुझसे प्यार से कहे, कोई बात नहीं, सो जाओ। एक भैंस घबराई हुई जंगल में भागी जा रही थी। एक चूहे ने पूछा, क्या हुआ बहन, कहाँ भागे जा रही हो? भैंस, जंगल में हाथी को पुलिस पकड़ने आई है। चूहा, पर तुम क्यों भाग रही हो, तुम तो भैंस हो। भैंस, लगता है तुम नए हो, ये भारत है भाई, पकड़े गए तो 20 साल तो अदालत में ये सिद्ध करने में ही लग जाएगा कि मैं हाथी नहीं भैंस हूँ। ओह माई गॉड, यह सुन भैंस के साथ चूहा भी भागने लगा। पता नहीं लोग लाखों खर्च करके पैसा कमाने के लिए बच्चों को इंजीनियर डॉक्टर क्यों बनाते हैं, जबकि महालक्ष्मी धन वर्षा यंत्र मात्र 2100 रुपये में मिलता है। गांधी जी अपने पिता की चौथी पत्नी के बेटे थे, बाबा साहब अपने पिता के 14वीं संतान थे, रविंद्रनाथ टैगोर भी 14वीं संतान थे, सुभाष चंद्र बोस 14 संतानों में 9वें नंबर पर थे, विवेकानंद जी 10 संतानों में से 6ठे नंबर पर थे, कमबख्त हम दो हमारे दो के चक्कर में महापुरुष पैदा होना ही बंद हो गए। काम ऐसा करो कि लोग आपको किसी दूसरे काम के लिए बोले ही नहीं। पत्नी, देखो हमारी पड़ोसन हर संडे अपने पति के साथ बाहर घूमने जाती है, पर क्या आप कभी लेके गए? पति, मैंने तो उसे 4-5 बार पूछा पर वो मना कर देती है। काउ एज कैट बोथ आर सिस्टर, अब आप सोचोगे कि कैसे, ज्यादा मत सोचो, मैं बताता हूँ आपको, गाय माता होती है और बिल्ली मौसी। बोला था ना बचपन से ही इंटेलिजेंट हूँ, लेकिन कभी घमंड नहीं किया। अनलिमिटेड फैन, जोक कबाब, पप्पू ऑफिस में लेट पहुंचा, बॉस कहाँ थे अब तक? पप्पू, जी वो गर्लफ्रेंड को कॉलेज छोड़ने गया था। बॉस, शट अप, कल से ऑफिस टाइम से आना, नहीं तो खैर नहीं। पप्पू, ठीक है, अपनी बेटी को खुद ही कॉलेज छोड़ देना। बॉस बेहोश।